हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक करीना कपूर इंस्पायर मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। जो अगर आपको ये मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा लग रहा है। और अगर आप इंस्पायर लुक देखते हो सभी के वीडियो में, कुछ आजकल बहुत ज़्यादा इंस्पायर लुक का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। सेकेंड टाइम मेरा ट्राई है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो देख सकते हो, और अगर अच्छा लग जाए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी करिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और ये मेरा लुक अच्छा लग रहा है। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेरा फेस ग्लोई लग रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आपको, मैंने कोशिश की है कि अच्छा मेकअप मैं कर सकूँ, तो मैंने ठीक ही किया है। मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग, मेरे पास उनकी एक ही पिक थी तो मैंने उस हिसाब से जितना मुझे समझ आया तो मैंने कर लिया। तो आप लोग चलिए इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं पहले सबसे पहले बायोटिक का कोकुम्बर टोनर इस्तेमाल करूँगी अपने फेस पर, और 5 मिनट्स के बाद एक मॉइस्चर इस्तेमाल करूँगी। और मैं अब लिप बाम यूज कर रही हूँ, बायोटिक की लिप बाम है ये। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लिप बाम है, और आप खरीदना चाहें तो आप ले भी सकते हो। बहुत ही अच्छा लिप बाम है, ड्राई नहीं होने देता है बिल्कुल लिप्स को। अगर आपके लिप्स चैप्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा फटते हैं, हाइड्रेट नहीं रहते, तो इससे बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देता है ये। तो अब मैं ले रही हूँ, ये लोटस का है, ये मैं क्रीम ले रही हूँ लोटस की। ये SPF के साथ है तो मैं यही ले रही हूँ। व्हाइट व्हाइट सी हो जाती है इससे, बहुत ही अच्छा होता है, लगाने बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फेस को छोड़ दूंगी, जब ये थोड़ा अच्छे से क्रीम अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी थोड़ी सी, तब मैं प्राइमर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं प्राइमर लगा रही हूँ NYV का। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है। ये बस थोड़ा सा ही लगता है, और आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बिल्कुल हाइड कर देता है ये, बहुत ही अच्छा है। आप पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। मैं तो पूरे फेस पर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं छोड़ती, कोई कोई तो सिर्फ यहाँ लगाता है, मुझे तो सारी जगह पे अच्छा लगता है लगाना, पूरे फेस पर। इससे आपको अच्छा कैनवास मिल जाता है अपने फेस को मेकअप करने के लिए, बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस मेकअप होता है, और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है इससे मेकअप, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल है, इसलिए भी बहुत ही बढ़िया सा है ये। तो मैं लगा लेती हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। ये पॉन्ड्स बीबी क्रीम ही लगाऊंगी मैं, फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मैं इससे ही अपना मेकअप कर लूंगी पूरा। ये बहुत ही अच्छी क्रीम होती है, इसलिए बहुत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं यही लगा लेती हूँ। तो ये मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है, मैं तो ऐसे ही, मैंने सोचा बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये लुक करीना का, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा और ले ले रही हूँ मैं।
और मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। मैं हाथ से ही कर लेती हूँ फिंगर्स के साथ, मुझे फिंगर्स के हाथ से ही यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेकअप बहुत ही अच्छे से हो जाता है इसलिए। चलिए मैं अच्छे से लगा कर आती हूँ। तो मैंने अपना बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है, तो अब मैं पाउडर सेटिंग कर लूँगी। और मैं ले रही हूँ अर्बन डीके का ब्रश है ये, मैं इससे ही पाउडर सेटिंग करूँगी। और ले रही हूँ मेवलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, इसके साथ ही मैं अपने फेस को पाउडर सेट कर लूँगी जो मैंने बीबी क्रीम लगाई है उसको। बहुत ही हल्का सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं अप्लाई करूंगी मैं। ये बहुत ही अच्छे ब्रश हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको भी ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप, मैं इसका रिव्यू मुझे करना है, बहुत ही अच्छा है ब्रश, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हो, तो आप ले लीजिए। कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छे ब्रशेस हैं ये। तो अब मैं आईब्रो लगाऊंगी, आईब्रो फिल करूंगी अपनी। तो मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूंगी, ये है ADS की पेंसिल। ये बहुत ही अच्छी पेंसिल है, अफोर्डेबल है, तो आप भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी, बाय कर लीजिए, बहुत बढ़िया है ये। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रखा है करीना ने, तो मैं हल्का ही मेकअप करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं है, है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि डे यूज में, तो मतलब वो किसी फंक्शन में गई होंगी तब उन्होंने कर रखा होगा, हल्का ही मेकअप है इसलिए। तो चलिए मैं ये वाली आईब्रो फिल करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आईब्रो फिल कर ली है अपनी, और मैं अब अपनी आई जो आई शेडो है वो थोड़ा सा लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रखा है करीना जी ने, तो मैं भी थोड़ा ही अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, एक ही पिक है तो जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ। तो इसमें से मैं, और ये मैं ब्रश ले रही हूँ बेगा का आई शेडो ब्रश है ये, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। और ये सात में फाइव ही आए थे ये एक पैक में, तो मैं इसमें से ये मेरा पैलेट बहुत पुराना है, मतलब कुछ समय हो गया है तो इसका नेम वगैरह नहीं है, तो मैं इसको इसमें से ये वाला ब्राउन चॉकलेटी ब्राउन ले रही हूँ, हल्का ही लूँगी, ज़्यादा नहीं ले लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने आईब्रो अपनी फिल कर ली है, मतलब मैंने आई शेडो अप्लाई कर लिया है, ऐसे ही हल्का हल्का लगा हुआ है। वैसे उसमें जो उनकी पिक है करीना जी की, तो उसमें इतना नहीं दिख रहा है आई शेडो वगैरह, और आईलाइनर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा हल्का सा पतला ही आईलाइनर लगा लेती हूँ, और मैं आईलाइनर यूज कर रही हूँ।
ब्लू हेवन का, ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो 100 रुपीज़ तक का मैं मेकअप कर रही हूँ उस हिसाब से, तो ये बहुत ही हल्का हल्का आईलाइनर मुझे लगा लेना है, बहुत ही पतला सा अप्लाई कर लूँगी मैं। बस इतना ही मैं लगाऊंगी, इतना पतला थिन आईलाइनर लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स मैंने देखिए आईलाइनर लगा लिया है और अब मैं यूज कर रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ आइकॉनिक काजल लैकमे का, आइकॉनिक काजल है ये, तो मैं ये भी हल्का हल्का ही लगाऊंगी, ज्यादा नहीं लगाऊंगी मैं। इतना ही लगाना है क्योंकि सिर्फ हल्का ही नजर आ रहा है उनके आईज में ये काजल। फ्रेंड्स मैं ज्यादा नहीं मेकअप कर पाती हूँ तो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि जितना भी मतलब मुझे आता है मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ, कोशिश करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैंने अब काजल लगा लिया है अपनी आईज पर और अब थोड़ा सा हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट तो मेरे पास हाइलाइटर एक मिनट। तो फ्रेंड्स हल्का हल्का हाइलाइटर मैं लगा लूँगी, ये भी ब्लू हेवन का हाइलाइटर मतलब आई शेडो पैलेट है, तो इसमें एक वाइट कलर का है तो सिल्वर कलर का, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास हाइलाइटर नहीं है तो मैं इसी को हल्का हल्का यूज़ करना है, उनका इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बस अच्छा फेस दिख रहा है उनका। और उन्होंने पिंक कलर जो होता है ना ब्लशर वो नहीं लगाया हुआ है तो वो नहीं अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो मैंने ये सब अप्लाई कर लिया है तो मैं भी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं अगेन भूल गई थी कि मुझे मस्कारा भी लगाना है, तो मस्कारा मैं लगाना भूल गई थी, तो मैं ब्लू हेवन का मस्कारा लगा रही हूँ। ये 2-3 कोट में अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, पर ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना लिप फिल कर लूंगी, ये मैं लिप कलर लगा रही हूँ जैसे ब्लू हेवन, क्योंकि मुझे ब्लू हेवन के जो प्रोडक्ट हैं मुझे अच्छे लगते हैं और अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं पहले कोई कुछ लिप लाइनर यूज कर ले रही हूँ।
क्लियर का है ये लिप लाइनर, इसको यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा ही यूज़ करूँगी मैं। लिप्स के पास मुझे कुछ हो रखा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि मुझे लिप्स के ये दोनों साइड में मुझे क्या हुआ है। तो अब मैं लिप कलर लगा ले रही हूँ। मैंने लिप कलर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है मेरा लुक और मैं कैसी लग रही हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने कोशिश की है, मेरे पास उनकी तरह मतलब उन्होंने कान में नहीं पहन रखा था लेकिन मैंने पहन लिया है, तो मैं थोड़ा सा अलग दिखने की कोशिश कर रही हूँ, अलग से मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ, अलग तरह का कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ। तो मेरा मेकअप अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप कभी जैसे कभी कहीं जा रहे हैं तो हल्का फुल्का मेकअप इस तरह से आप करके जा सकते हो। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मेरे फ्रेंड्स, पुराने जो मेरे कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, 2-3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं मैंने, तो बीच में वो रुक रहे थे, तो पता नहीं क्यों, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मैंने जब अपलोड किया है तो। लेकिन आप लोग उनको जब मैं बंद कर रही थी तब अपलोडिंग कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने सोचा हटाती नहीं हूँ इसको, मैं डाल ही देती हूँ। और जब मैं जैसे स्टॉप करते हैं ना तब वो रुक रहा था, तो मैंने सोचा चलिए स्किप, आप लोग अगर देख रहे हो वो वीडियोज़ तो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, जैसे ही वो रुकता है तो वहाँ से स्किप करके, तो आप जब वो चलता है तो आप देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मैंने बोला है सब उसमें ऐड है। लेकिन जैसे ही मैं जब स्टॉप करती हूँ तो उस समय वो रुक जा रहा था। तो आप लोग अगर ये उस वीडियो उन वीडियो को देख रहे हो और आप लोग को लग रहा है कि वो स्टॉप क्यों हो रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम है कि मैंने जब अपलोड किया है तो उस समय कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा और आप लोग वो वीडियोज़ इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग गिव अवे में हिस्सा बन रहे हो कि नहीं ले रहे हो आप, मुझे तो कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर मेरा थोड़ा भी मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी सी मेरी कोशिश अच्छी लग रही है, मैं थोड़ी भी अच्छी लग रही हूँ, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह आप मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी लोग वीडियोज़ देखते ही हैं। तो अगर आप लोग को थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप, रेड बटन रहता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल आइकन आता है उसके बाद, तो बेल आइकन को हिट करेंगे तो मेरा नया जो वीडियो होगा वो आपके पास आ जाएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, एक थम्स अप तो बनता ही है, तो कर दीजिएगा लाइक। बाय फ्रेंड्स, बाय।